फ्रेंड्स, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आप गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए कि कैसे आप ये काम करोगे, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि कैसे आप आपकी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकअप करोगे। गवर्नमेंट ने बहुत दिन पहले से ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर आपका कोई पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड को अब आपके आधार कार्ड से आप लिंकअप कर ले। तो अगर अभी तक आप आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से अगर नहीं लिंकअप किया हो तो तुरंत ये चीज़ आप कर ले, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपका पैन कार्ड ये वैल्यूलेस भी हो सकता है। तो इसलिए आप ये चीज़ कर ले और देखे कि कैसे आप कर सकते हो घर बैठे आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अप। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ। तो आप भी आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप अगर है तो उसमें क्रोम ब्राउज़र में आप चले जाइए और उसके बाद आप सर्च करें ई फिलिंग करके। ई फिलिंग करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने गवर्नमेंट इनकम टैक्स का ऑफ एक वेबसाइट आपके सामने नज़र आएगी, उसमें आप क्लिक करें। और उसमें जाने के बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगी उसको आप क्लोज कर दे, और क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ लिंक आधार करके, इस लिंक आधार में आप क्लिक करना है। और लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको पूछेगी पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर। तो अभी तो मैं यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लिंकअप है। अगर आपका नहीं है तो इसमें आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड जिसका नाम है उस नाम इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से मेंशन किया है तो इसमें आप टिक कर दीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ही मेंशन किया है, मंथ और डेट मेंशन नहीं है, तो इसमें आप टिक मत कीजिए। तो इसको आप ध्यान रखना है। और उसके बाद आई एग्री पर आप क्लिक कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके इसमें एक कैप्चा है, उसको फिलअप करना है। इसमें जो कैप्चा इसमें शो कर रहा है वो आपको इसमें डाल देना है। और डाल देने के बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंकअप हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो आपका आधार कार्ड है वो लिंकअप करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि जो आपका लिंकअप हुआ है या नहीं आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से, तो उसमें आप ऊपर जैसे यहाँ पे शो कर रहा है क्लिक हेयर, तो इस क्लिक हेयर में आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर में आपको क्लिक करने के बाद आपके इसमें पूछेगी आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर। आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर जो ही लिंकअप किया हो तो उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद बीयू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकअप हुआ है उसका मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो मैं मेरे आधार कार्ड जो लिंकअप कर लिया था पहले, तो उसका मैं आपके सामने अभी दिखाना चाहता हूँ कि आपका मेरा जो पैन कार्ड है तो वो आधार कार्ड से लिंकअप होने के बाद कैसा मैसेज शो हो रहा है। तो मैं मेरे पैन कार्ड का नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं मेरे आधार कार्ड का नंबर भी इसमें डाल दे रहा हूँ अभी। तो जैसे कि मैं मेरे आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर दोनों ही डाल दिया हूँ। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो आधार पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंकअप हुआ है। तो उसका जो मैसेज है इसमें शो हो रहा है योर पैन कार्ड इज लिंक्ड टू आधार नंबर, जो मेरा आधार नंबर है जो उसका लास्ट 4 डिजिट इसमें शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको भी मैसेज आएगी अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंकअप हुआ है। तो अगर अभी तक आप आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकअप नहीं किया हो तो आप तुरंत ही लिंकअप कर ले, और ये आप घर बैठे ही कर सकते हो। कोई साइबर कैब पे भी ज़रूरत नहीं है जाने की। तो आप ये चीज़ बिल्कुल मैं जैसे आपको दिखाया हूँ आप ऐसे ही आप कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ई फिलिंग आपको सर्च करना है, efilling.com नहीं, ई फिलिंग सेव करना है। ई फिलिंग करने के बाद आपके सामने जो URL है गवर्नमेंट का, तो उस URL में आपको क्लिक करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको हेल्प होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को आप शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके घर वालों के साथ। अगर कोई लोगों का अगर पैन कार्ड अभी तक लिंकअप नहीं हुआ तो
यही था आज का वीडियो। तो अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलते हैं नया और इंटरेस्टिंग जेन्युइन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।